मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक के लिए कोई जगह नहीं है, न यहाँ लव जिहाद और धर्मांतरण का कुचक्र चलेगा और न ही इसे हम केरला स्टोरी बनने देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में आतंक के लिए कोई स्थान नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों के आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया है। मुझे जैसे ही जानकारी मिली, इस्लामिक आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे ATS ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह करता है। इनका जो नेटवर्क है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके और फिर बेटी से शादी करके उसे भी धर्मांतरित करो और फिर उसके बाद आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद धर्मांतरण का ये कुचक्र यहाँ नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है, नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है, 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए। लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली, आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे ATS ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। ATS को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद धर्मांतरण ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की ATS की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, उनमें से भोपाल जो धर्मांतरित होकर हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी शामिल है। इन सबके तार हिजब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं जो कट्टरपंथी संगठन है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।